हेलो दोस्तों, इंडिया में सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुकी है BMW की तरफ से। BMW ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 को लॉन्च कर चुका है इंडिया में। जिसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 14,90,000 से इंक्लूडिंग GST बट नॉट इंक्लूडिंग अदर टैक्सेस लाइक RTO, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, अदर फीस जैसे काफी सारे चार्जेस और इसके अंदर ऐड नहीं किया है। अगर इतना पैसा देकर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो BMW ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बुकिंग्स ओपन कर चुका है इनके ऑफलाइन स्टोर मेजर सिटीज के अंदर लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे। इन सिटीज में BMW के शोरूम जाके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते हो जिसकी डिलीवरी सितंबर 2024 से शुरू होने वाली है। वैसे बाकी दुनिया के लिए तो BMW ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2 साल पहले ही लॉन्च कर चुका था और फाइनली हिम्मत जुटा के इंडिया के अंदर अब लॉन्च कर चुका है। तो इतना प्राइस रखा है तो इसके अंदर क्या फीचर मिल रहे हैं और कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है सब कुछ डिटेलली इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इंडिया की एक्सपेंसिव BMW की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 के बेसिक स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं। वैसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर BMW ने 2 वेरिएंट लेके आए हैं, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और दूसरा स्टाइल अवागार्ड। वैसे इन दोनों के अंदर पावर और परफॉर्मेंस सेम मिलने वाला है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स स्टाइल अवागार्ड में ज्यादा मिल रहे हैं और कलर भी इसके अंदर दूसरा चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। वैसे इसके लुक्स और डिजाइन देखा जाए तो काफी यूनिक और काफी स्टाइलिश देखने को मिल रही है CE04। तो इस डिजाइन के साथ इसके अंदर 2 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, एक लाइट व्हाइट कलर और दूसरा ब्लू मेटालिक जो कि स्टाइल अवागार्ड के अंदर ही ऑप्शन है। और इस कलर के साथ ही इसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दिया गया है और रेड साइड सिंगल साइड स्विंग आर्म दिया गया है। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेफ्टी को बढ़ाने के लिए फ्रंट में ड्यूल डिस्क और रेड साइड सिंगल डिस्क ABS ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 1675 mm व्हील बेस के साथ आती है और 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलता है। और इसके अंदर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसका साइज फ्रंट और रेयर के अंदर डिफरेंस होने वाला है। फ्रंट में 350 का 15 इंच का रिम मिल रहा है और रेयर में 450 के 15 इंच के रिम मिल रहे हैं और टायर साइज भी डिफरेंस रहने वाला है। और इतना प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाले स्टोरेज स्पेस देखा जाए तो बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर फुल हेलमेट भी प्रॉपरली नहीं बैठ रहा है। आप फेस हेलमेट वगैरह होगा तो बड़ी मुश्किल से इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये थे इस लग्जरी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बेसिक स्पेसिफिकेशन। तो अब बढ़ते हैं इसके अंदर मिलने वाले परफॉर्मेंस की ओर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 0 से 50 km/h की एक्सेलरेशन सिर्फ 2.6 सेकंड के अंदर हो जाती है और 120 km/h की टॉप स्पीड दी गई है। और इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर रेगुलर स्कूटर के जैसे ही 3 ड्राइविंग मोड दिए हैं, इको, रेन, रोड। इसके अलावा रिवर्स ड्राइविंग मोड भी इसके अंदर मिलता है। और इस स्पीड को, इस परफॉर्मेंस को देने के लिए इसके अंदर PMS मोटर दी गई है जो की लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आती है। और इस मोटर की रेटेड पावर 15 kW की है और इससे मैक्स जो पीक पावर है वो 31 kW तक मिलती है। और साथ ही साथ 62 Nm का टोर्क इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल रहा है। और अगर इंडिया की सबसे ज्यादा डिमांड वाली बात रेंज की बात की जाए तो इसके अंदर 130 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और एग्जैक्टली टिपिकल ड्राइविंग रेंज तो यहाँ पे बताया भी नहीं है। और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 8.5 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 चार्जिंग ऑप्शन दिए हैं, एक स्टैंडर्ड 2.3 kWh का इंटीग्रेटेड चार्जर दिया गया है जो कि हमें घर पे चार्ज करने के लिए काम आता है। अगर इससे चार्ज करेंगे तो 0 से 80% 3.5 घंटे के अंदर हो जाता है और 100% चार्ज 4.5 घंटे के अंदर हो जाता है। यहाँ पे तो 4 घंटे 20 मिनट क्लेम किए हैं लेकिन लगभग 4.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। और इसके अलावा दूसरा क्विक चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया है 6.9 kWh के चार्जर के साथ। अगर इसको लगा के चार्ज करते हैं तो 0 से 80% 1 hour 5 मिनट के अंदर हो जाती है और फुल चार्ज 1 hour 10 मिनट के अंदर हो जाती है फास्ट चार्जिंग के साथ। सबसे बढ़िया बात इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मुझे लगा इसकी वारंटी, 3 साल की वारंटी दी गई है अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए। सभी कंपनी ये अनलिमिटेड किलोमीटर वाला ऑप्शन को अपनाएगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो दोस्तों ये था सेकंड स्टेप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का परफॉर्मेंस। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनमें से कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। जिसके अंदर सबसे बढ़िया बात जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो कि 10.25 इंचेस का TFT टच स्क्रीन मिलता है
है जो कि स्प्लिटेबल है, यानी डिस्प्ले के अंदर ही आप दो तीन विंडोज खोल के देख सकते हैं, एक ड्राइविंग का मैप वगैरह खोल के एक ही साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और दूसरे कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी इसके अंदर दिए गए हैं। और सभी हेडलाइट इसके अंदर फुल्ली एलईडी होने वाले हैं, और साथ ही साथ कीलेस राइड के साथ इसके अंदर 12 वोल्ट का सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इन सभी के अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बीएमडब्ल्यू ने ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी एएससी को भी दिया है, जिससे राइडिंग के वक्त कहीं पे भी बारिश में या गड्ढों में कहीं पे भी स्किड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो दोस्तों ये थे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस। लेकिन एक और बात है, बीएमडब्ल्यू को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे इतना खर्चा कराने के बाद भी तसल्ली नहीं मिली है। इसके लिए इन्होंने और पैसा वसूल करने के लिए पैकेजेस को भी लेके आए हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। इन्होंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो पैकेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर एक कंफर्ट पैकेज है, जिस इस पैकेज के अंदर हीट ग्रिप बैकरेस्ट कंफर्ट सीट मिलती है, और दूसरा डायनामिक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर प्रो राइडिंग मोड मिलता है और प्रो हेडलाइट मिलते हैं, प्रो एबीएस मिलते हैं और अडेप्टिव हेडलाइट्स मिलते हैं और डे टाइम राइडिंग लाइट्स मिलते हैं। और इन पैकेजेस के अलावा भी बीएमडब्ल्यू इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कई सारा के एक्सेसरीज भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर एक क्विक चार्जर भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इन पैकेजेस और इन एक्सेसरीज के एग्जैक्टली प्राइस अभी तक रिवील नहीं किया है। तो दोस्तों ये था बीएमडब्ल्यू की पहली और इंडिया की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 के कंप्लीट डिटेल्स। वैसे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के डेली ईवी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।